ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा नीतियों को पलीता देते अलीगंज के बेसिक अध्यापक। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद एटा के अलीगंज तहसील की, जहां उप जिला अधिकारी ने आज बेसिक विद्यालय की लगातार मिलती शिकायत के बाद औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अव्यवस्थाओं का अंबार मिलते ही उप जिला अधिकारी अपने एक्शन मोड में आ गए। नगला अमेर प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक हर्षित परमार अनुपस्थित पाए गए, जो कि 3 दिन से विद्यालय से नदारद थे। वहीं उप जिलाधिकारी जब नगला चंदन उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो वहां विद्यालय में ताला लटका पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय हफ्ते में कभी कभार ही खुलता है, यह सुनकर उप जिलाधिकारी की भ्रुकुटी और तिरछी हो गई। उन्होंने वहीं दूरभाष से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया और कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं प्राथमिक विद्यालय नगला सामा में ग्रामीणों ने तो यहां तक कह दिया कि लॉकडाउन के बाद से हफ्ते में जब कभी 2 घंटे के लिए प्राथमिक विद्यालय नगला सामा खुलता है। उप जिला अधिकारी के औचक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप है। वहीं एसडीएम ने बताया कि ऐसे निरीक्षण लगातार जब चलते रहेंगे, किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएल मौर, उप जिला अधिकारी अलीगंज, शर्वेश कुमार, ग्रामीण नखला सावा। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। एसडीएम साहब, आज आपने जो है कई विद्यालयों का जो है औचक निरीक्षण किया, कई जगह खामियां भी मिली, कई जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त भी मिली, क्या पूरी सर जानकारी है? देखिए, मैं कुछ कार्य से क्षेत्र में सुबह निकला था, आज कई घटनाएं हो गई थी, उनकी जांच के लिए भी गया था। तो मैं लौटते समय उस क्षेत्र के एरिया का जो रास्ते में विद्यालय थे उनका औचक निरीक्षण किया। कई विद्यालय तो खुले मिले थे और अध्यापक भी थे, उसमें कुछ कर रहे थे, जैसे नगला उम्मेद है, नगला साबा है और नगला चंदन है, ये 3-4 गांव इधर अकबरपुर कोर्ट साइड के, ये सब 3-4 गांव हमने और कुछ जथरा सड़क वाली रोड पर थे, उस पर भी हमने विद्यालय चेक किए हैं। कई जगह खुले मिले थे, कई विद्यालय बंद भी मिले और कई में शिक्षक आ भी नहीं गए, कई भी ये मौके पर पाई गई है। इस तथ्य की मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी दूरभाष में जानकारी भी दे दी है और निरीक्षण आख्या में जिलाधिकारी महोदय को प्रशिक्षित। सर, कौन कौन से विद्यालय खुले पाए गए थे और कौन कौन से में टीचर्स वगैरह नहीं थे, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या सर? तो रास्ते में जो इधर है लटसिया है और कई हैं, उसमें जो है अकबरपुर कोट है, ये विद्यालय कुछ खुले पाए गए थे और नगला उम्मेद है, ये खुले पाए गए थे और नगला चंदन और नगला साबा ही दोनों बंद पाए गए। एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया है, आप मौके पर हैं, ग्रामवासी हैं, लगभग कितने दिनों से ये विद्यालय बंद है? लगभग होली से बंद है, कोई टीचर आते ही नहीं यहाँ पे, बीच में आते हैं। अभी कितने दिनों से लगभग?